सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद दारोगा दिनेश राम का तिरंगा में लिपटा पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। पार्थिव शरीर लेकर दारोगा के बड़े भाई उमेश राम और पत्नी किरण देवी के साथ सीतामढ़ी पुलिस पैतृक गांव पूर्वी चंपारण जिले के सरसौला पहुंची। शव के पहुंचते सभी की आंखें नम हो गई। बता दें कि शहीद दारोगा को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। मौके पर एसपी के नेतृत्व में जिला पुलिस की टीम भी मौजूद रहेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनंजय हैं फोन लाइन पर। धनंजय, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां? जी, ये पूर्वी चंपारण का लखौड़ा थाना क्षेत्र है, यहाँ पे सिसौला गांव है और यहीं के शहीद विनोद राम सब इंस्पेक्टर थे, जो पुलिस और शराब कारोबारियों के बीच हुए मुठभेड़ में सीतामढ़ी के मेजरगंज में शहीद हो गए। फिलहाल उनका शव पोस्टमार्टम के बाद में गार्ड ऑफ ऑनर देने के पश्चात उनकी पत्नी किरण देवी को मिला है, जिनका रो रो कर यहाँ बुरा हाल है। और यहाँ पे जो ग्रामीण है वो भी पीड़ित परिवार के इस दुख की घड़ी में साथ खड़े हुए हैं। जी धनंजय, फिलहाल कुछ भी कहना इस मामले में बेमानी होगा, क्योंकि किसी ने बेटा खोया है, किसी ने पति खोया है, तो किसी ने अपना भाई खोया है। लेकिन अब क्या कुछ कह रही है, कब अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस मामले में? यहाँ पे जैसे कि लोगों का ये कहना है कि सरकार के द्वारा अभी तक सिर्फ ये पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजे देने की बात और एक सरकारी नौकरी देने की बात ही कही गई है, लेकिन अपराधियों को कब चिन्हित किया जाएगा और अपराधियों की गिरफ्तारी कैसे और किस तरीके से होगी, यह यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब पुलिस विभाग के लोग ही जब सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या असर होगा। धनंजय, शहीद दारोगा की अंत्येष्टि है आज, अंतिम संस्कार है आज, जिला एसपी के अलावा और कौन कौन से अधिकारी और नेता मौजूद रहेंगे वहाँ? जी, ये सीतामढ़ी मेजरगंज से भी वहाँ के जिला के जो कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, जी वो लोग भी शहीद के साथ पार्थिव शरीर के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। स्थानीय जो राजनेता हैं वो लोग भी आए हुए हैं जो पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। जी धनंजय, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि कल मुठभेड़ हुई थी सीतामढ़ी में शराब तस्करों के बीच, जिसमें एक दारोगा को गोली लग गई थी, जिसके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। आज उनका शव उनके पैतृक गांव पहुंचा मोतिहारी में, और शव पहुंचते ही पूरा माहौल काफ़ी मायूस हो गया, गांव में मातम छा गया, परिवार में कोहराम मच गया। और आपको बता दें कि आज ही उनका अंतिम संस्कार होना है, जिस दौरान वहां के जिला एसपी और कई नेता मौजूद रहेंगे।